ये उस इटली की तस्वीरें हैं जो कुछ दिनों पहले खतरनाक कोरोना वायरस की मार से बेहाल था। हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी और हजारों लोग एक दिन में कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इटली ने कोरोना वायरस पर काबू पाया तो हालात तेजी से बदलने लगे। इटली में थमते कोरोना वायरस के कहर के बीच धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान राजधानी रोम में जेट फाइटर्स ने शानदार करतबबाजी की तो लोगों की निगाहें आसमान में टिकी रहीं। हवा के हुनरबाजों ने अपनी शानदार उड़ान से हर किसी को हैरान कर दिया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नजारा तो वो था जब फाइटर पायलट ने इटली के आसमान को अपने झंडे के रंग में रंग दिया। इस खूबसूरत लम्हों को हर कोई अपने यादों में कैद करता नजर आया। तो वहीं इस खास मौके पर सेना के तीनों अंगों के जवान ने पूरा दमखम दिखाया। थल, जल और वायु सेना के जवान परेड में शामिल हुए और शानदार प्रदर्शन किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से हर किसी ने परेड के दौरान भी मास्क पहन रखा था। दुनिया भर के कई देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो कई देश ऐसे भी हैं जहां जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और इटली भी अब तेजी से उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जहां लॉकडाउन में ढील दे दी गई है और एक बार फिर से सब कुछ सामान्य हो रहा है।